हमारा देश का झंडा इस तरह हमेशा ऊंचा रहे। ये देश आज़ाद हुआ है बहुत संग्राम करने के बाद, और उसके बाद 75 साल बीत गए हैं। हमारा देश में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, इसमें हमारा लोगों को योगदान बहुत है। तो आज हम लोग अभी रायपुर एयरपोर्ट में है, तो उनके सामने देख रहे हैं एक पार्क है। सो वो पार्क में वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगा हुआ है, देखने का लायक है। हम एक एक करके दिखाएंगे, जो ये चीज़ आपको अच्छा लगेगा। अब सामने देख रहे हैं ये पाम टी, बहुत अच्छा एवेन्यू प्लांट बन सकते हैं, जहाँ शॉर्ट स्पेस है, कॉलमनर ग्रोथ है एंड वैक्सी लीव के वजह से एक अलग ब्यूटी इसमें झलकते हैं। मोस्टली रोड के साइड में, पर्टिकुलर एवेन्यू के साइड में ये लगाते हैं। सामने अब देख रहे हैं टेकोमा स्टैंड और टेकोमा गौडी चौटी, एंड इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, येलो कलर फ्लावर गिव्स ए ऑसम लुक्स। टेकोमा का फ्लावर जब लॉन में पड़ा रहते हैं, एक अनोखा ब्यूटी देखते हैं। अब देखिए एक यूनिक ब्यूटी यहाँ झलक रहा है। यहाँ ब्यूटीफुल आइलैंड बना हुआ है, जो फाउंटेन के साथ साथ आइलैंड के बीच में कुछ पंडरनस का पौधा लगा है। बहुत रफ एंड टफ प्लांट है, एंड आप देख सकते हैं एक अलग ब्यूटी यहाँ झलक रहा है। अगर नज़दीक से देखें, आप यहाँ देख सकते हैं इसका प्रॉपिंग रूट बाहर आ रहा है, किस तरह जिसको प्लांट्स को सपोर्ट देता है, इसका प्रॉपिंग रूट बोलते हैं। चलते हैं आगे, यहाँ का लैंडस्केप को देखते हैं, किस तरह प्लांट यहाँ मेंटेन किया है। आप देख रहे हैं दैट ओल्ड जो पाम है, इट्स लुक्स लाइक पामीरा पाम, बट आई डोंट थिंक इट्स ए पामीरा पाम, तो ये दूसरा कुछ पाम है। चलते हैं आगे, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स को एक्सप्लोर करते हैं इस गार्डन को। सामने पार्किंग प्लेस में एक बहुत बड़ा बोहिनिया है, जो बोहिनिया पर्पुरिया, जो कंचन जनरली आपको मार्च महीना में फ्लावर देते हैं, बट ये बोहिनिया पर्पुरिया अक्टूबर नवंबर में फ्लावर देते हैं। एंड इसका फूल काफ़ी बड़ा साइज का होता है, बहुत पॉपुलर एवेन्यू ट्रीज है। और एक कंचन जो कचनार नाम से जो परिचित है, जनरली सफ़ेद वाला कंचन, वो तो उसका हाइट इतना होता नहीं है, बट ये बोहिनिया पर्पुरिया और बोहिनिया वेरिएगेटा, दो स्पीसीज काफ़ी बड़ा होता है एंड एक अलग ब्यूटी देते हैं एज एवेन्यू प्लांट्स। यहाँ पार्किंग स्पेस में बहुत सारा मोलसरी प्लांट्स है। मोलसरी हमारा देश का बहुत प्राचीन पौधा है, इवन पुराना काल में कालिदास का ग्रंथ में भी इसको उल्लेख है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका छोटा छोटा फ्लावर होता है, बहुत सुगंधी फ्लावर होता है। आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत क्लोज लुक करते हैं, ये देखिए सफ़ेद कलर का जो फ्लावर है, हाईली फ्रेग्रेंट फ्लावर। अब इसका फल पकने से ऑरेंज कलर हो जाता है,
एंड इसको बकुल भी बोलते हैं बंगाली में। हम बचपन में याद आता है इसका सीड से सीटी बजाने वाला बासी बनता था। लेजोस्ट्रोमिया और जारुल ये भी एक अच्छा प्लांट्स है, एवेन्यू साइड प्लांट्स है। इसका बहुत रफ एंड टफ प्लांट्स है और बहुत लेस केयर में ब्यूटी मेंटेन करते हैं। एयरपोर्ट में जो ये गार्डन है, यहाँ काफ़ी नंबर का प्लूमेरिया रखा है। प्लूमेरिया बहुत अच्छा लो मेंटेनेंस एवेन्यू प्लांट्स है। हाउ दिस प्लूमेरिया को मैं कैसे वो लोग मेंटेन करके रखे हैं देखिए। और ये कलर बहुत कॉमन कलर है, देख सकते हैं सफ़ेद कलर के अंदर में हल्का हल्का पिंक कलर का स्ट्रिप्स। और इसका ये फ्लावर बर्ड्स है। यहाँ लैंडस्केप काफ़ी सुंदर है, देखिए किस तरह अलग अलग 05 प्लांट मेंटेन करके एक बढ़िया लैंडस्केप मेंटेन रहता है। एंड इसमें दे आर मेंटेनिंग इट्स ब्यूटी, लॉट ऑफ वर्कर वर्किंग। देखिए एवेन्यू के साइड्स में कभी हेज को मेंटेन करता है। ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबली ये क्लियरेंडर इनार्मिस है। अब देखिए यहाँ एक तरह, दूसरा है टैवर्ना माउंटेना का जो वेरीगेटेड है, उसमें एक यूनिक शेप दिए है। चलते हैं सामने वाला डोम में, देखते हैं कैसे ये एयरपोर्ट इनके ऊपर से लगता है। वाह, सो नाइस प्लेस एंड द व्यू फ्रॉम दिस डोम इज यूनिक, यू कैन सी इट हियर। बहुत तेज हवा चल रहा है और ऐसे रियली बहुत अच्छा एक फीलिंग्स हो रहा है। वेरी कूल एटमोसफियर है एंड अक्टूबर में नो ह्यूमिडिटी, और रायपुर में उतना ह्यूमिडिटी मैं महसूस नहीं किया। यहाँ साथ साथ देखिए आगे कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रहा है। रियली लैंडस्केप इज़ एक्सीलेंट्स। यहाँ और एक यूनिक प्लांट्स मिला है, दूर से तो लग रहा था जैसे ट्रेवलर्स पम्प्स, बट ये ट्रेवलर्स पम्प्स नहीं है, ट्रायंगुलर शेप है। यहाँ लैंडस्केप में इस एयरपोर्ट में डुअर्फ कोकोनट को भी यूज़ किया गया है।
पता नहीं, हाँ हाँ इट्स इफ फ्रूट्स आर नॉट, बट ये लुक तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, इस शॉर्ट टाइम में हम कोशिश किया है कंप्लीट करने के लिए। कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट और शेयर करने मत भूलिएगा। और आप लोगों को मैं बहुत खुश हो जाऊंगा आप हमारा अगर ये चैनल सब्सक्राइब करें तो मुझे भी और इंस्पिरेशन मिलेगा, तो हम और जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं वहाँ से नया नया एवेन्यू प्लान्स, सेट लविंग प्लान्स एंड आइडिया आपको अपलोड करते रहेंगे। धन्यवाद।